हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल RDV। तो गाइस हमारे सामने खड़ी है i20 फेसलिफ्ट का मैग्ना वेरिएंट, जिसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग है लगभग 7.7 लाख एंड ऑन रोड तक आते आते पड़ेगी आपको 7.25 लाख रुपए की। और गाइस आज की वीडियो में हम इस वेरिएंट को, इस कार को कवर करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशंस सब कुछ कवर करेंगे एंड एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दोनों गाड़ियों के बीच में करके बताएंगे। दी ऑल न्यू i20 एंड ये खड़ी हमारे सामने इससे पहले वाला वेरिएंट, जो कि कहेंगे कि माइनर चेंजेस के साथ ही आते हैं, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आते हैं न्यू वेरिएंट पे, न्यू मॉडल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट लुक हमें जो है Hyundai का लोगो बड़ा सा फ्रंट लुक में ही देखने को मिलेगा, जो कि पहले वाले i20 में नहीं देखने को मिलता था। ये देखिए, ये है पुराने वाली, तो इसमें हमें जो Hyundai का लोगो है वो यहाँ की तरफ देखने को नहीं मिलता, वो नीचे ग्रिल में देखने को मिलता है। एंड वहाँ देखिए आप, एकदम साफ़ सुथरी बढ़िया सी ग्रिल, बिल्कुल आगे जो प्रोफाइल है वो वरना जैसी कर दी गई है। वरना कहीं या एक्स्टर कहें, उसमें Hyundai की लोगो जो है ऊपर ही आ रहा है। जो कह रहा था आपसे कि जैसे न्यू वरना की लुक ऑल क्लीन कर दी गई है, Hyundai की बैजिंग ऊपर लगा दी गई है बोनेट में, एंड जो बम्पर है, जो बम्पर ग्रिल है, एकदम क्लीन रखी गई है, एकदम वाइट जबरदस्त दिखती है। बिल्कुल वैसी ही y20 की आपको ग्रिल एंड फ्रंट बम्पर मिलेगा गाइस। अब जो ग्रिल है वो सारी ग्लॉस ब्लैक में ही रखी गई है, नंबर प्लेट होल्डर आएगा। एंड हेडलाइट की बात करें तो एस्टा वेरिएंट में हमें ऑल न्यू हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन इस वेरिएंट में हमें पुरानी जैसी हेडलाइट ही मिलेंगी। शेप चेंज नहीं की गई, सिर्फ ग्रिल एंड बम्पर चेंज किए गए हैं। हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, हेलोजन हेडलाइट्स मिलेंगी, हाई बीम लो बीम, लेकिन आप इसमें LED अपग्रेड करा सकते हैं। और यहाँ की तरफ, नीचे की तरफ देखिए, यहाँ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वाइट पेंट तो बहुत ही बढ़िया, Hyundai की गाड़ियाँ तो गाइस वाइट कलर में ही अच्छी लगती हैं। और एयर वेंट दिए गए हैं यहाँ पे, और ये है DRL। तो DRL आपको मैग्ना मॉडल में पहले नहीं मिलते थे, लेकिन फेसलिफ्ट में आपको मैग्ना मॉडल में DRL अवेलेबल कराए गए हैं गाइस। और नीचे की जो स्किड प्लेट है वो भी चेंज कर दी गई है, पियानो ब्लैक और सिल्वर में आपको मिलेगी। एंड वहीं आप देखिए पुरानी वाली i20 को, तो i20 में पुराने वाले में फॉग लैंप्स जरूर हमें देखने को मिलते थे, वो नई वाली में हटा दिए गए हैं। और एयर वेंट्स पहले फेक थे, लेकिन अब जो है वो फंक्शनल कर दिए गए हैं। बम्पर चेंज है, लेकिन जो क्लैडिंग है, पहले पियानो ब्लैक आती थी और अब जो है हमें सिल्वर देखने को मिलती है। लेकिन गाइस मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे पियानो ब्लैक क्लैडिंग ज़्यादा अच्छी लगती थी, ज़्यादा प्रीमियम लगती थी। सिल्वर थोड़े से बेस मॉडल टाइप लगता है। और जैसे ग्रिल में चेंज है, ऊपर चेंज है, हेडलाइट्स में, शेप में जो नई वाली है ना उसमें चेंज है, लेकिन मैग्ना मॉडल में कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पहले वाले में हम प्रोजेक्टर मिलते थे, लेकिन अब ऑल LEDs मिलती हैं। पहले वाली में DRL सिर्फ एक लाइन आती थी, लेकिन अब जो है उसमें एक बूमरैंग L शेप का आप कह सकते हैं, उसमें DRL कर दिया गया है। एंड फॉग लैंप्स वगैरह, ये वाला सेटअप तो सारा चेंज है ही है गाइस। और गाइस बात करें इसके इंजन की, तो इंजन हमें सेम 1.2 लीटर मिलता है। अभी इसको खोल के दिखाते हैं। इसका बोनट, कोई क्लॉथिंग वगैरह नहीं मिलती, इंसुलेशन क्लॉथिंग। बोनट का जो वेट है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। वेन्यू का इससे काफ़ी भारी लगता है, हालांकि दोनों का सेगमेंट अलग है, ये प्रॉपर हैचबैक है एंड वो एंट्रीएबल SUV आप इसे कह सकते हैं। लेकिन गाइस इंजन की बात करें तो सेम 1.2 लीटर कापा इंजन, दैट मेक्स 82 BHP। एंड IVT में इसकी पावर थोड़ी बढ़ जाती है, उसमें निकालती है 88 BHP। टॉर्क रहेगा 114 न्यूटन मीटर्स का, मेटेड विथ 5-speed गेयरबॉक्स। एंड अब इसमें आपको टर्बो का ऑप्शन गाइस नहीं मिलेगा। अगर आपको टर्बो लेनी है तो सिर्फ N लाइन में ही जाना पड़ेगा, जो कि 1 लीटर इंजन के साथ आती है और 118 BHP प्रोड्यूस करती है। ये प्रोड्यूस करता है 82 BHP। और डीजल तो गाइस पहले ही हटा दिया गया था, डीजल की कमी तो खैर आज भी एक लगती है, ये डीजल की कमी तो गाइस कोई पूरी नहीं कर सकता। अब आते हैं साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल गाइस कुछ ऐसी मिलेगी। साइड प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं किए गए, और जो इसमें एस्टा वेरिएंट आता है उसमें जो बॉडी क्लैडिंग है वो आपको फुल पियानो ब्लैक में मिलती है, लेकिन मैग्ना मॉडल में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। डायमेंशंस की बात करें तो गाइस स्क्रीन में आपके सामने मैं डायमेंशंस छोड़ देता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। और फिलहाल बात करें इसके टायर्स की, तो टायर साइज गाइस इसमें मिलेगा हमें 15 इंच का स्टील रिम टायर सेक्शन मिलेगा हमें 185/65R15। और एस्ट्रा एंड एस्ट्रा ऑप्शनल में 195 का टायर मिलेगा, एंड एरा मॉडल में 175 का टायर मिलता है। और व्हील कैप्स आती हैं ब्लैक कलर की, तो दूर से अलॉय व्हील की कमी तो आपको गाइस महसूस नहीं होगी। सिर्फ एस्ट्रा में ही और एस्ट्रा ऑप्शनल में ही अलॉय व्हील मिलेगा। और अब एरा मॉडल भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, बेस मॉडल,
जिसमें आपको 14 इंच के स्टील रिम मिलेंगे, लेकिन मैग्ना वेरिएंट में आपको 15 इंच के स्टील रिम मिलेंगे और व्हील कैप मिलेगी ब्लैक कलर की। और साइड प्रोफाइल गाइस ये देखिए, ऐसा कुछ फेंडर मिलेगा आपको, फेंडर में ही आपको इसमें इंडिकेटर मिलेगा और ओआर में इंडिकेटर नहीं मिलता। मैकफर्सन स्टड्स इसमें हमें शॉकर्स, फ्रंट शॉकर्स मिलते हैं। और रेयर सस्पेंशन की बात करें तो वो आते हैं टॉर्शन बीम एक्सल। फ्रंट में मिलेगी हमें डिस्क ब्रेक गाइस, ये देखिए ओआर बीम। और ये मिलेंगे हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, नॉट फोल्डेबल, ये आपको हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे। एंड ये है फ्यूल लिड इसका, और ये 37 लीटर्स की कैपेसिटी आती है। रेयर लाइट देख सकते हैं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन एस्ट्रा वेरिएंट में एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको एलईडी मिलती हैं, लेकिन मैग्ना मॉडल में आपको नॉर्मल हेलोजन रेयर लाइट्स ही मिलती हैं। i20 की बैजिंग मिलेगी, हुंडई की बैजिंग मिलेगी, और कनेक्टिंग लाइट्स तो नहीं है, लेकिन सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। कोई वाइपर नहीं है, डिफॉगर नहीं है, लेकिन आपको शॉक फिन एंटीना मिलेगा जो कि वाइट कलर का है। और यहाँ देखिए हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, ये भी आपको हेलोजन ही मिलती हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट ना, ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट, ये काफ़ी बढ़िया लगता है मॉडल को देख के। एंड दो दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे, एक और दो। रेयर कैमरा नहीं है, लेकिन रेयर बम्पर की लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, जिसमें पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट एंड यहाँ मिलेगा हमें रिफ्लेक्शंस। और स्किड प्लेट मिलेगी अब हमें सिल्वर कलर की। तो स्किड प्लेट लगाने से ना गाड़ी का जो वेरियंट है काफ़ी अब मार्केट लगने लग जाता है। गाड़ी की गाइस बूट स्पेस की बात करें ना, तो इसमें 311 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन कोई पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो स्टेपनी है वो मिलेगा हमें 14 इंच की स्टेपनी मिलेगी। ये है 185/70/14 इंच का स्टील रिम स्टेपनी 14 इंच की। एंड बाहर के जो व्हील है वो मिलेंगे हमें 15 इंच के। कोई लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हुक दिया गया है। तो गाइस साइड लुक में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, फ्यूल लिड भी सेम है, आगे की हेडलाइट का फेंडर, गेट्स वगैरह, डोर्स वगैरह सब सेम है। एंड पीछे की जगह आप देख सकते हैं लाइट, वो भी आपको लगभग सेम ही मिलेगी। लेकिन जो मेन डिफरेंस आएगा वो गाइस आएगा इसकी बैक लुक में। ये है रेयर बम्पर। तो रेयर बम्पर में जहाँ पे नए वेरिएंट में हमें नीचे की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक देखने को मिलती थी, एंड रिफ्लेक्टर्स हमें यहाँ की तरफ देखने को मिलते हैं, एंड उसमें बम्पर के इस तरफ देखने को मिलते थे। तो गाइस रेयर लुक से सिर्फ बम्पर का ही चेंज है, बाकी एज सच और कोई भी चेंज नहीं किया गया। गाइस अब खोलते हैं इसका रेयर डोर। तो रेयर डोर गाइस अब सबसे बड़ा बदलाव कि अब हमें ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है, पहले सिर्फ ब्लैक ही मिलता था, पहले सिर्फ हमें स्पोर्टी फील मिलती थी, लेकिन अब हमें स्पोर्टी के साथ साथ, स्पोर्टी मीन्स कि गाड़ी देखने में बहुत स्पोर्टी है, एंड स्पोर्टियर के साथ साथ अब हमें ये प्रीमियम भी फील कराएगी, क्योंकि इसमें ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है। गाइस यहाँ पर स्पीकर ग्रिल और चार चार स्पीकर्स मिलते हैं, और यहाँ पर मिलेगा हमें प्लास्टिक, नॉट सॉफ्ट टच। ये है विंडो कंट्रोल लीवर, एंड प्रॉपर बॉटल होल्डर मिलता है, एंड अपहोल्स्ट्री मिलती है इसमें, फैब्रिकेटेड सीट्स आती हैं। और यहाँ पे हेडरेस्ट देख सकते हैं, डिटैचेबल हेडरेस्ट नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट ही मिलेंगे, कोई आर्मरेस्ट नहीं है। एंड यहाँ की तरफ एसी पोर्ट दिया गया है, लेकिन एसी कंट्रोल नहीं है। मैं USB-A पोर्ट, यहाँ फ़ोन रख सकते हैं, कोई मैगजीन होल्डर नहीं है, नॉर्मल से ग्रैब हैंडल। यहाँ पर मिलेगा हमें लाइट, लेकिन इसमें ना कुछ मुझे हेडरूम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं आता ना, एस्ट्रा ऑप्शनल में, एस्ट्रा मॉडल में सनरूफ आता है, तो उसमें यहाँ पे काफ़ी ना नीचे की तरफ कर दिया गया है, जिससे कि हेडरूम उस गाड़ी में कम फील हो। लेकिन इस गाड़ी में फ्लैट रूफ है, इसमें आपको हेडरूम एस्ट्रा मॉडल से कुछ ज़्यादा मिलेगा। चलते हैं गाइस आगे की सीट्स की तरफ। तो यहाँ पर इसके गाइस डोर देखिए, चेकआउट करिए, कुछ ऐसे ऐसे डोर, सॉफ्ट टच हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पहले से बंद करें विंडो कंट्रोल, कोई पियानो ब्लैक नहीं। यहाँ पे ORB के कंट्रोल, लीवर, क्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, स्पीकर, ऐसी सी चाबी मिलेगी, एक रिमोट की मिलेगी, कीलेस एंट्री मिलती है, और कुछ ऐसी सी कंप्यूटराइज्ड की, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, ऑटो ऑन ऑफ, और यहाँ पे हेडलाइट लेवलर, AC के वेंट्स। एंड सबसे बढ़िया बात कि इसकी जो सीट्स है वो पहले से ज़्यादा कुशन मिलती है, ना हार्ड ना सॉफ्ट, तो ठीक ठाक है, लेकिन एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलती, सिर्फ लंबार एडजस्टमेंट एंड रीच। हाइट एडजस्टमेंट आपको एस्ट्रा एंड एस्ट्रा ऑप्शनल में ही मिलेगा प्रॉपर। आपको डेड पैडल भी दिया गया गाइस, ये देखिए। तो गाइस ये है इसका स्टेयरिंग, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगी, एंड टेलीस्कोपिक भी मिलेगी गाइस, ये सरप्राइज है। मैग्ना मॉडल में आपको स्टेयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा। यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। ये है MID के कंट्रोल्स, ये है इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स, 8 इंच का आपको इसमें स्क्रीन मिलती है, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको वायरलेसली मिल जाएगी। बटन्स कुछ ऐसे दिए गए हैं, ये है स्टिकर, तो ये आप स्टिकर उतारेंगे। नॉब्स की क्वालिटी ठीक है,
लेकिन यहाँ जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना गाइस, ये बहुत ही प्रीमियम है। इसे प्लास्टिक को टच करते ही आपको पता चलेगा यार प्रीमियम तो है, चाहे सेकंड बेस मॉडल है लेकिन प्रीमियमनेस तो आपको ये गाड़ी फील कराएगी गाइस। यहाँ पे वायरलेस चार्जर कुछ नहीं है, नॉर्मल आप यहाँ पे फोन ही रख सकते हैं। टाइप सी का पोर्ट सॉकेट मिलेगा, टाइप ए का पोर्ट मिलेगा गाइस। यहाँ पे है गियर लीवर, दिस इज लेदर, दो दो कप होल्डर्स मिलेंगे, ये है आर्मरेस्ट एंड ये सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा। एक्स्ट्रा में आपको स्लाइडिंग वाला भी मिलता है फंक्शन एंड ये है लीवर। ये है इसका ग्लव बॉक्स, कूल फंक्शन के साथ नहीं मिलेगा गाइस। यहाँ पे है इसका सनशेड, इसमें मिरर मिलता है। यहाँ पे है सनग्लास होल्डर, दो दो लाइट्स मिलेंगी, एलईडी नहीं है। यहाँ पे टिकट होल्डर मिलता है। ये है इसका मैनुअल आईआरवीएम। और टच रिस्पॉन्स की बात करें गाइस, तो ये स्क्रीन जो है बिल्कुल जैसे वेन्यू के बेस मॉडल में आती है या कहीं एक्स्टर के मॉडल में आती है तो कुछ ऐसी सी ही मिलेगी। इंटरफेस वगैरह बिल्कुल सेम वैसा ही मिलेगा। चलें होम पर मोड, तो इसमें वॉइस कंट्रोल देखिए गाइस, वॉइस कंट्रोल के फंक्शन भी मिलेंगे, वॉल्यूम अप डाउन, कॉलिंग कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस। इन गाइस जो इसका सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे, वो लगता है इसका ये डिस्प्ले, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। तो इसमें फुली डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, बीच की तरफ स्क्रीन मिलती है 4 इंच की, जिसमें बेसिक से ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको गाइस सारी मिल जाएंगी, जैसे हाउ मच, दो दो ट्रिप मीटर, ओडो, किलोमीटर, जैसे आउटसाइड टेम्परेचर, सीट बेल्ट वार्निंग, दिस इज स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह, ये बेसिक सी चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी, डिजिटल प्लस एनालॉग। एनालॉग है नहीं, है ये पूरा डिजिटली, लेकिन आपको जैसे सुइयां उठती हैं तो आपको एनालॉग ऐसा एनालॉग फील कराता है वो। इसका जो मीटर है वो वेन्यू से और i10 से एंड अब जो लेटेस्ट है ये एक्स्टर, उससे तो काफ़ी बेहतर लगता है। जब आपको पुराने वाले i20 खोल के दिखाएं तो देखिए ऑल ब्लैक इंटीरियर। तो ये ब्लैक इंटीरियर मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता, काफ़ी बोरिंग सा होता है। एंड यहाँ पे देखिए सारा हार्ड प्लास्टिक, लेकिन जो शेप है, डिज़ाइन है वो एकदम सेम है। मिडल पोर्शन भी गाइस बिल्कुल सेम है, लेकिन एक ड्यूअल टोन इंटीरियर होने का गाइस अलग ही आपको फ़ायदा मिलता है, अलग ही प्रीमियमनेस फील कराती है। और जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना तो ब्लैक इंटीरियर में आपको घुटन महसूस होती है, लेकिन ड्यूअल टोन इंटीरियर में आपको घुटन महसूस नहीं होगी। ये चीज़ हुंडई वालों ने बहुत ही जल्दी सुन ली है, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही छोटा सा फेस लिफ्ट दे दिया है। सिर्फ आपको जो रूफ़ है ना वो आपको क्रीम मिली, ये कह रहा था मैं, ये देखिए जैसे ये भी सनरूफ के साथ आती है, तो इसमें यहाँ तक देखिए, क्योंकि सनरूफ यहाँ तक आएगा ना तो ये चीज़ थोड़ी सी नीचे कर दी गई है, लेकिन यहाँ से स्कूप्ड आउट है। लेकिन मैग्ना मॉडल में सनरूफ नहीं आता, तो जो रूफ़ है ना वो एकदम फ्लैट है, काफ़ी ऊँची ऊँची लगती है। फ्रंट से भी गाइस आप देखिए, गाड़ी को चेकआउट करिए, देखिए फुल ब्लैक, काफ़ी बोरिंग सी, लेकिन जो क्लस्टर है वो चेंज नहीं किया गया। डिस्प्ले है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, वो भी चेंज नहीं की गई। सिर्फ आपको स्टेयरिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए नई वाली में डीकट स्टेयरिंग आता है, पुरानी वाली में राउंड स्टेयरिंग आता है, ड्यूल टोन इंटीरियर एंड स्टेयरिंग। बाकी एज सच कोई भी गाइस फ़र्क नहीं दिखेगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है। एंड गाइस अब आपको सबसे बढ़िया सेफ्टी फीचर से मिल रहा है कि अब 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, आप कोई भी वेरियंट लीजिएगा। तो ये Hyundai बहुत अच्छा काम कर रही है सेफ्टी फीचर्स के मामले में। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको न्यू i20 फेसलिफ्ट का मैग्ना वेरिएंट अच्छा लगा हो। एंड छोटा सा कंपैरिजन मैंने इस वीडियो में करके दिखा दिया आपको कि क्या क्या फ़र्क है। एंड i20 तो गाइस हैचबैक में ऑल टाइम फेवरेट गाड़ी मानी ही जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो। जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम को बैक टू बैक ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।